यूपी में चुनावी दौर को लेकर सरकार आपसी लड़ाइयों में जुटी हुई है। वहीं यूपी में चोर बदमाशों और डकैतों के हौसले आए दिन बुलंद होते जा रहे हैं। यूपी के मीरगंज में दिन दहाड़े सवारियों से भरी बस में लूट का मामला सामने आया है। सोनार बस से अपनी दुकान पर जा रहा था, तभी बदमाशों ने हथियार के बल पर उसका बैग छीन लिया और उसमें लाखों के जेवरात थे, वो नकदी थी और वो लेकर फरार हो गया। सोनार को घायल कर ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर बदमाश बस रुकवाकर फरार हो गए। घर से निकला बाइक से, अपने बेटे के लिए मैंने बाइक से भेज दिया बाजार के लिए, नगरिया के लिए। मैं बस में बैठ गया चौराहे पे, रामपुरा चौराहे पे। जैसे ही बस में बैठा हूँ, 5 मिनट के बाद गाड़ी चली है, और गाड़ी जब चली है तो 2 बदमाश गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, जिसने एक ड्राइवर को रिवाल्वर टेक के चाबी रोक निकाल ली, गाड़ी बंद कर दी। नीचे जो ड्राइवर वो एक थैला मेरा लेके भागा, तो मैं जब नीचे भागा हूँ बस के, तो जो नीचे खड़े हुए थे लोग, उन्होंने डंडा मारने चालू कर दिया, मेरे सर पे फूट गया, सब खून सब चल गया। जो आदमी खड़ा हुआ है काफी बर्बाद, और किसी के साथ आज तक एक